हेलो माय सर, डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट टंग के बारे में, यानी जीभ के ऊपर जो सफ़ेद परत जमती है वो क्या होती है, किन कारणों की वजह से आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमती है, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या। आज इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। अगर आपको भी व्हाइट टंग की या जीभ के ऊपर जो सफ़ेद परत जमती है उसकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट टंग क्या है, क्या होती है, जीभ के ऊपर जो सफ़ेद परत जमती है वो क्या होती है। तो जीभ के ऊपर सफ़ेद परत जमने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जीभ के ऊपर काफ़ी सारे पेपिलाज होते हैं। इन पेपिलाज में अगर फूड डेब्रिस फंस जाती हैं या फिर यहाँ पे बैक्टीरियल डिपोजिशन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके कारण ये जीभ के ऊपर सफ़ेद कलर की परत जम जाती है। तो यही होती है आपकी जीभ के ऊपर जमी हुई सफ़ेद परत, यानी इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट टंग। व्हाइट टंग काफ़ी सारे कारणों की वजह से हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन कारण की, जिसमें सबसे पहला कारण है अगर आप खाना खाते हैं, जिस तरीके से आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं और आप अपनी जीभ को अगर साफ नहीं रखते हो तो उसमें काफ़ी सारी फूड डेब्रिस जमा हो जाती है और धीरे धीरे करके वो एक थिक लेयर बना लेती है, एक मोटी सी परत जमा लेती हैं जीभ के ऊपर। तो पहला कारण ये हो सकता है कि अगर आप अपनी जीभ को रेगुलर तौर पे साफ नहीं करते। तो दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो होती है अगर आपको गुटखा, स्मोकिंग या पान सुपारी ऐसी कोई भी चीज़ खाने की आदत है, जिसके कारण क्या है कि जीभ के जो पेपिलाज होते हैं वो काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेशन उनमें होती है, इस कारण की वजह से आपकी जीभ के ऊपर एक सफ़ेद कलर की परत जम जाती है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो वो होती है ड्राई माउथ या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, यानी अगर आपका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूखा रहता है या फिर आप पानी कम पीते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर आपको ड्राई माउथ रहता है तो आप जब भी खाते हो तो वो जो चीज़ें हैं आपकी जीभ पे एक पतली सी बहुत थिन कोटिंग यानी बहुत पतली सी लेयर अगर जमती है, अगर उसी समय आप पानी पी लेते हो या कुल्ला कर लेते हो तो वहाँ से वो चीज़ें क्लीन हो जाती है, तो इसके कारण आपकी जीभ के ऊपर सफ़ेद परत नहीं जमती है। वहीं बात करें अगर ड्राई माउथ की, कि जो हमारा जो सलाइवा होता है यानी मुंह में जो लार होती है वो भी जीभ को साफ़ करने में काफ़ी मदद करती है, मगर अगर आपका ड्राई माउथ है तो उस समय आपकी जो मुंह में सलाइवा यानी लार बहुत कम बनती है, जिसके कारण आपकी जीभ साफ़ नहीं रहती है, उसके कारण भी आपकी जीभ पे सफ़ेद कलर की परत जम सकती है। इसके बाद बात करते हैं कुछ क्लिनिकल कारण की, क्या होते हैं वो क्लिनिकल कारण, यानी जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं ओरल थ्रस्ट, जिसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी जीभ के ऊपर काफ़ी सारे व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से यानी ओरल थ्रस्ट की वजह से भी आपकी जीभ पे काफ़ी सारे व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिले हैं। अगले क्लिनिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो प्री कैंसरस कंडीशन भी हो सकती है, जैसे ल्यूकोप्लेकिया या फिर लाइकेन प्लैनस जैसी कंडीशंस भी आपकी जीभ में देखी गई है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जीभ के और गाल के ऊपर काफ़ी सारे व्हाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इसके लिए यानी व्हाइट टंग के लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट हम करते हैं सिम्टोमेटिक, यानी अगर आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो उसकी वजह से अगर आपकी जीभ पे काफ़ी सफ़ेद परत जम गई है, अगर आप इस परत को टाइमली नहीं हटाते हो तो धीरे धीरे करके आपके दांतों में सड़न शुरू हो सकती है, सड़न लग सकती है, आपके मुँह से बदबू आने की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी मुँह से बदबू आना शुरू हो जाती है अगर आप अपनी जीभ को रेगुलर तौर पर क्लीन नहीं करते हो। तो आपको अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर आपका करें तो उसमें आपको अपनी, जैसे आप अपने दांतों को साफ़ करते हो उसी तरीके से आपको अपनी जीभ को भी साफ़ करनी है। हो सकता है थोड़े टाइम में आपकी जो सफ़ेद जीभ है यानी सफ़ेद लेयर कलर की जो लेयर यानी परत जो आपकी जीभ के ऊपर जमी है वो एकदम से साफ़ हो जाए, जिसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। दूसरे अगर हम बात करते हैं जिन लोगों को गुटखा, सुपारी ऐसी कुछ भी चीज़ें खाने की आदत है और वो इस कंडीशन को नहीं छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, तो जब भी अगर वो स्मोक करें या फिर गुटखा, सुपारी ऐसी कोई भी चीज़ खाएं तो उसके बाद में कुल्ले ज़रूर कर लें या फिर अपनी डेली रूटीन में माउथ वॉश का यूज़ करें। माउथ वॉश का यूज़ करने की वजह से उनकी जीभ भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहती है। इनमें से कुछ लोग, जो लोग माउथ वॉश यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो लोग हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के उससे कुल्ले करना ज़रूर शुरू कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें अगर आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ड्राई माउथ के लिए आपको पास काफ़ी सारी ऐसी चॉकलेट्स आती हैं, च्युइंगम्स आती हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह में काफ़ी ज़्यादा सलाइवा बनता रहता है और आपकी जीभ भी साथ साथ में क्लीन होती रहती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से वहाँ पर अगर सफ़ेद परत जम रही तो आपको ज़रूरत है कि अपनी बॉडी को उतना ही हाइड्रेटेड रखें, पानी टाइम से पीते रहें, थोड़े थोड़े देर में याद करके पानी को पीते रहें। वहीं पर बात करें अगर काफ़ी सारी जो ओरल कंडीशंस हमने बताई हैं, यानी जिसमें आपको ओरल थ्रस्ट आ गया है, जियोग्राफिक टंग आ गया, ल्यूकोप्लेकिया आ गया, लाइकेन प्लैनस आ गया, सिफिलिस आ गया है,
ऐसी काफ़ी सारी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर तौर पर अपनी जीभ क्लीन कर रहे हो, जीभ साफ़ कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी जीभ के ऊपर से ये सफ़ेद जो पैचेज हैं यानी सफ़ेद जो धब्बे हैं वो नहीं मिट रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की। यानी ये जो ट्रीटमेंट है ये आप घर पर इसको नहीं हटा सकते हो, अगर आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो वो आपकी रेगुलर क्लीनिंग करने की वजह से भी हट जाती है, अगर वो नहीं हट रही है तो हो सकता है आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर अब भी आपको अपनी व्हाइट टंग से लेके कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से काफ़ी स्मेल आती है या फिर जिनकी जो जीभ है वो काफ़ी गंदी रहती है, सफ़ेद कलर की परत जम गई, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।